छोड़े आई। बेटा आप भी जाओ अपनी फ्रेंड के साथ बाहर, मम्मी डैडी बाहर आ जाएंगे। पर डारा। प्रिंसेस, बाहर जाओ ना, इसमें थोड़ी देर लगती है आप जानते हो, बाहर वेट करो मैं आता हूँ। दे दो सिकंदर, आज तक जो मांगा है दिया है, ये भी दे दूंगा। आपका बीपी तो बहुत हाई है, इतना हाई बीपी नॉर्मल नहीं होता, कोई स्ट्रेस है क्या? पिछले दिनों बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में सोचता हूँ तो खून खौल उठता है। मैम आपको स्ट्रेस टेस्ट करवा लेना चाहिए, आपका बीपी बहुत हाई है, इसकी वजह से आपको दिल का दौरा भी पड़ सकता है। पड़ ही जाए दिल का दौरा, क्योंकि कुछ लोगों को एहसास हो कि मेरे सीने में भी दिल है। आज आप दोनों का ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से आप दोनों रक्तदान नहीं कर सकते। टेस्ट करवा लो। तुम्हारे लिए तो मैं हर टेस्ट में फेल हूं, पर ये टेस्ट करा के क्या फायदा? मैं जीऊ या मरूं उससे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? क्या क्या बातें कर रही हो, हमारे बीच कोई रिश्ता बचा नहीं बचा है? ये सवाल तब क्यों नहीं किया जब डिवोर्स के लिए हाँ बोला था? मैंने मांगा था डिवोर्स, तुमने मांगा था। तुम जानते हो ना मुझे, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हो गुस्से में, तुम संभालते हो ना मुझे हमेशा, तुम शांत करते हो ना, तुम कहते हो रानी साहिबा गुस्सा तुम पर अच्छा लगता है, रानी साहिबा गुस्सा आप पर अच्छा लगता है, पर इतना अच्छा भी नहीं लगता, तुम मत किया करो और मैं मान लेती हूँ, मैं शांत हो जाती हूँ, संभल जाती हूँ तुम्हारे कहने से। इस बार क्यों नहीं किया? इस बार बात कुछ और थी लवली, मैं खुद अपने आपे से बाहर था, ये जानने के बाद कि मेरी निम्रत की मौत तुम्हारी वजह से हुई, मैं क्या करता और मैं क्या करूं? मेरी निम्रत, पर मेरी जी मैं उन दोनों के वास्ते ही लाई हूँ, तू उन दोनों के लिए कुछ नहीं करेगी, अंदर मेरी मॉम और मेरे दादा इतने टाइम के बाद अकेले, मैं तुझे उनके बीच में नहीं आने दूंगी। पर मेरी जी वो तुमसे इतनी दूर होकर भी तुम्हारी, तुमने मुझे कभी अपना माना सिकंदर की नहीं, मुझे कभी मेरी लवली कहकर पुकारा नहीं, क्यों? तुम कितना वक्त साथ में बताया तुम दोनों ने, 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने, तो वो वक्त हमारे 7 सालों पर कैसे भारी पड़ गया सिकंदर? कैसे 7 सालों से निम्रत तुम्हारी और लवली तुम्हारी कुछ नहीं, मेरे पास एक मौका था सिकंदर तुम्हारा दिल जीतने का, कि वो भी नहीं था, कि तुमने कभी मुझे अपना माना ही नहीं, कभी नहीं। वादे किए थे दिल से, ताश फिर हुआ नहीं, फिर भी निभा ना पाया, ऐसी मेरी कार। तुम्हारी पोएट्री, तुम्हारी बॉय, मजाक उड़ा रहे हो मेरा, तुम जानते हो मैं कुछ नहीं समझती तुम्हारी ये बातें, मैं फिर तुम्हारी निम्रत सब समझती थी ना, तुम्हारी पोएट्री तुम्हारी बातें सब समझती थी ना, मेरी तरह तो नहीं थी है ना? बहन जी आपने लवली और सिकंदर को कहीं देखा है? हाँ, किसी कोने में मेरी बेटी के सामने गिड़गिड़ा रहा होगा, जमाए रखे बिना नहीं रहा जा रहा है, वापस आ जाओ। अब क्या बोल, साडे वीर जी क्यों गिड़गिड़ाएंगे,
गिड़गिड़ाएगी तो आपकी बेटी, लेकिन ना इस बारे उसकी जो मगरमच्छ के आंसू है ना, वो वीर जी का फैसला नहीं बदल पाएंगे। तुम मुझसे हमेशा पूछते रहते हो तो मैं तुम्हें सच क्यों नहीं बताया? आज तुम्हारे सामने है सिकंदर, एक रिश्ता जिस पर ऑलरेडी इतनी बड़ी दरार हो, उस पर एक और कीला ठोक कर मैं कैसे उसे और कमजोर करती, कैसे हमारे रिश्ते को और कमजोर करती। मैं देखो हमें तुमने कभी बताया नहीं, पर मैं जानती हूँ अगर मुझमें और निम्रत में चुनना होता तो हमेशा निम्रत को चुनते। तुम मेरा यकीन कभी नहीं करते, तुम कभी मेरा भरोसा नहीं करते कि वो एक एक्सीडेंट था। मुझे भरोसा कभी नहीं करते, कभी नहीं। तुम मेरी तरफ देख भी नहीं पा रहे हो, मुझ पर भरोसा कैसे कर? लेकिन जो तुमने कुल्फी के साथ किया वो क्या है, वो क्यों करती हो तुम? मेरी जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो आप मुझसे इतनी नफरत करते हो? मैं अपने दादा के प्यार किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अगर आपके कोई बहन या भाई होता तो आप ऐसे। वो मेरी बहन नहीं है और हो भी नहीं सकती। माता रानी, मैं तो इनकी बहन हूँ, मुझे लगा मैंनू मेरे अपने असली बाबा मिल गए, पर यहाँ तो सब अलग अलग रह रहे हैं। इनकी लड़ाई माफ कराओ माता रानी।